हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्ले प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी। ये एक्चुअली बहुत इजी है बनाने में और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। थोड़े से आपको कलर्स चाहिए बस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि ये प्लेट पे मैं एक टेक्सचर वाइट करके एक आता है वो लगा रही हूँ, और उसके सूखने के बाद आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। और डिज़ाइन बनाने के बाद मैं रेड कलर से इसका बेस कलर कर रही हूँ, एंड द पेंट्स आई एम यूजिंग आर एक्रेलिक कलर्स। सो अगर वो आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब मैंने सोचा इसमें थोड़ा ग्रीन टच एंड ब्लू टच भी देके ये हाईलाइट हो जाएगा। बेसिकली एक ब्लू पॉटरी डिज़ाइन है और ये बहुत ही सिंपल और रॉ से होते हैं और ये कोई भी बना सकता है। तो मेरा नेक्स्ट डिज़ाइन भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। ये क्ले प्लेट्स एक्चुअली मिट्टी के तवे हैं जो आप कहीं भी किसी भी पॉटर से ख़रीद सकते हो, और ये बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगे। आई डोंट नो, शायद 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। मेरे पास ये बहुत पहले से थे तो मुझे इनका प्राइस नहीं याद, लेकिन इनको आप एक होल ऊपर, एक मैंने पहले से एक होल कर लिया है इनमें, जिससे कि ये टांगते टाइम मुझे हेल्प मिलेगी। और ये करने के बाद मैंने अपने सेकंड प्लेट पे भी ये ब्लू कलर का पेंट करना शुरू कर दिया है। मेरे सारे डिज़ाइन एक्चुअली ब्लू पॉटरी से ही इंस्पायर्ड हैं। तो आपको डिज़ाइंस अगर चाहिए हो तो या तो यही फॉलो कर लेना, या फिर आप पिंटरेस्ट पे जाकर ब्लू पॉटरी अगर टाइप करोगे, ब्लू पॉटरी डिज़ाइंस, तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे डिज़ाइंस में, जो आप अपने आप इजीली पेंट कर सको वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली ब्लू कलर करते ही जाना है। मैं सिर्फ फिलिंग कर रही हूँ इसमें, और कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी आराम से ट्राई कर सकते हो, और जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा आप मोटिव अपने आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब मैंने ब्लू कलर के काम के बाद इसमें वाइट कलर का काम थोड़ा शुरू किया है, एंड वाइट कलर का पेंट लेके थोड़ा सा इसको ऑर्नामेंट कर रही हूँ। मीन्स थोड़े कहीं बिंदी, कहीं आउटलाइंस, थोड़े से कुछ लाइन्स, ओके, उससे थोड़ा सा सुंदर सा दिखने लगेगा। तो इस छोटे से काम से ये बहुत इसकी वैल्यू बढ़ जाती है इस पूरी प्लेट की, और बहुत इंट्रिकेट लगने लगता है ये। तो आई थिंक आपको देखने में, मुझे नहीं पता डिफ़िकल्ट लग रहा है या क्या, लेकिन आप ट्राई करोगे तो आराम से कर पाओगे। ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत बहुत ईजी है। और अगर आप अनफिनिश्ड वर्क भी करोगे, अगर आप बिगिनर हो, तब भी आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ब्लू पॉटरी इज़ समथिंग जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फिनेस की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डॉटेड पैटर्न, कर्व्ड लाइंस, कुछ भी करके फ्लावर्स को हल्का फुल्का सजा रही हूँ। हमेशा कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप थोड़ी सी प्लानिंग करो और एक टाइम डिसाइड कर लो कि आप कब करने वाले हो वो। अदरवाइज़ कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो इनकम्प्लीट छूट जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और कभी कोई आर्ट प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट छूट भी जाए तो भी आई डोंट थिंक इट इज़ अ बिग डील, क्योंकि क्रिएटिव प्रोसेस में कभी कभी टाइम और ब्रेक्स लगते ही हैं। तो यहाँ मेरा ये वाला ब्लू प्लेट रेडी हो गया है, एंड आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। रिजल्ट्स तो ठीक ही हैं, और कभी रिजल्ट्स ठीक नहीं भी होते तब भी आई एम क्वाइट हैप्पी कि मैंने कुछ किया। और आई थिंक आर्ट में यही इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ करते रहें। और ये है मेरा थर्ड प्लेट। बेस मैंने इसका भी वाइट ही रखा है, क्योंकि आई वॉज इन अ लिटिल हरी, क्योंकि मुझे दिवाली के डेकोर के लिए ये प्लेट्स रेडी करने थे। कभी मुझे इन्हें चेंज करना होगा तो मैं इनके बेस कलर को चेंज भी कर सकती हूँ। उसकी एक टेक्निक है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप बताइएगा। और ये बेसिक वही ब्लू पॉटरी डिज़ाइन है, बट इस बार मैंने ये मैजेंटा कलर सिलेक्ट किया है। बॉटल पे ये मैजेंटा करके मिलता है, ये दिखने में ज़रूर आपको रेड लग रहा होगा, बट बॉटल पे लिखा होता है मैजेंटा। आप कोई भी रेड कलर या क्रिम्सन
कोई भी आप कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है, और अगर आप चाहो तो आप कोई भी और कलर सिलेक्ट कर सकते हो। येलो भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, और आप पिंटरेस्ट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस मिलेंगे, उससे आपको कलर स्कीम के भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, या फिर आपको एज इट इज़ कॉपी करना है तो आप एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हो। इन द बिगनिंग आई सजेस्ट कि आप थोड़ा एज इट इज़ अगर कॉपी करते हुए चलो तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप प्रोजेक्ट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो तो वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट ही नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं सबसे बेस्ट बनाना है, और इसी वजह से कई बार कई प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होते। तो मेरा सजेशन यही है कि बस आप कुछ ना कुछ आर्ट प्रोजेक्ट करते रहो और कुछ स्टार्ट कर दो एंड उसे घर में सजाओ, मोटिवेशन मिलेगा फॉर श्योर, और फिर आप और काम करोगे। सो दिस इज़ इट, ये हमारा फाइनल आउटकम एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।